दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया का सबसे सस्ता यानी लो कॉस्ट और मोस्ट एफिशिएंट वाटर प्यूरिफायर बनाने वाले हैं। ये वाटर प्यूरिफायर खास करके उन लोगों के लिए है जो अपना वाटर प्यूरिफायर खुद ही बनाना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए है जो कम से कम पैसे में बेस्ट क्वालिटी का वाटर प्यूरिफायर चाहते हो। दोस्तों, ये वाटर प्यूरिफायर कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं अपने घरों में। दोस्तों, ये वाटर प्यूरिफायर मैंने अमेजन से खरीदा है। दोस्तों, इसका बाइंग लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बाइंग लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली अमेजन से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं नहीं पता, यूट्यूब पर जो वीडियो आप देख रहे होते हैं यहाँ नीचे एरो है, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन शो होगा। ये देखिए ये है डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन में यहाँ नीचे आप देख सकते हैं लिखा है, सामान खरीदने का लिंक नीचे दिया गया है, यानी बाइंग लिंक ऑफ प्रोडक्ट्स इज बिलो। यहाँ आप देख सकते हैं एक नंबर में लिखा है एक्वा डब वाटर प्यूरिफायर, और ये है उसका लिंक। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको अमेजन पर लेकर जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ अमेजन में आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ बाय नाउ है, बाय नाउ पर क्लिक करके आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये 1450 रुपये का है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको। दोस्तों, इस वाटर प्यूरिफायर का कॉस्ट सिर्फ 1450 रुपए है, 1450 रुपए। तो दोस्तों, चलिए बनाते हैं हम खुद के लिए दुनिया का सबसे सस्ता वाटर प्यूरिफायर। तो दोस्तों, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं सभी पार्ट्स को बाहर निकाल लेता हूं। दोस्तों, ये जो वाटर प्यूरिफायर हम बनाने वाले हैं, ये यूएफ वाटर प्यूरिफायर है। यूएफ मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यूएफ प्यूरिफायर के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, ये है एक्वाडब का यूएफ मेम्ब्रेन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। दोस्तों, एक्वाडब का ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ये BARC लाइसेंस प्रोडक्ट है। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको लाइसेंस दिया हुआ है। दोस्तों, मार्केट में आपको कई सारे कॉस्टली वाटर प्यूरिफायर मिल जाएंगे जिनका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं, और उन महंगे वाटर प्यूरिफायर के इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी काफी महंगे आते हैं। दोस्तों, एक्वाडब के इस वाटर प्यूरिफायर को इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, एक्वाडब के इस वाटर प्यूरिफायर को आप खुद ही अपने घरों में बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, एक्वाडब का ये जो यूएफ मेम्ब्रेन है, ये पानी का टर्बिडिटी रिमूव करता है। दोस्तों, टर्बिडिटी का मतलब मैं बता देता हूँ। दोस्तों, बारिश का जो पानी गिरता है, जो मट्टी वाला पानी रहता है, धुंधला धुंधला सा, तो इस मट्टी वाले पानी को हम टर्बिडिटी वाला पानी बोलते हैं। तो पानी के इसी टर्बिडिटी को ये यूएफ मेम्ब्रेन रिमूव करता है। यूएफ मेम्ब्रेन 50% तक टर्बिडिटी रिमूव कर देता है। दोस्तों, इतने कम कीमत में इससे अच्छा वाटर प्यूरिफायर आपको नहीं मिल सकता है। दोस्तों, इस वाटर प्यूरिफायर का जो सर्विस लाइफ है, कंपनी क्लेम करती है 21,000 लीटर यानी 21,000 लीटर। ये वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करने के बाद आपको सिर्फ ये पेपर फिल्टर या पीपी फिल्टर भी बोलते हैं इसको,
हमें सिर्फ इस पीपी फिल्टर को ही बदलना रहता है। आपको ये पीपी फिल्टर भी अमेजन पर अलग से मिल जाएगा। दोस्तों ये जो हाउसिंग है इसके अंदर हम ये पीपी फिल्टर यानी पेपर फिल्टर बिठाएंगे। पीपी फिल्टर के हाउसिंग के कवरिंग्स को हम हटा लेंगे। पीपी फिल्टर का जो हाउसिंग है इसके ऊपर निशान आप देख सकते हैं, यहाँ इन का निशान है, ए एरो आप देख सकते हैं, और यहाँ आउट लिखा है, ए आउट का निशान है। ये देखिए यहाँ आउट का निप्पल लगेगा और यहाँ इन का। दोस्तों अब हम हाउसिंग का ढक्कन खोल लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ एक ओरिंग दिया गया है। ये जो पीपी फिल्टर है इसे हम इस हाउसिंग के अंदर लगा लेंगे। दोस्तों हाउसिंग के अंदर आप देख सकते हैं एक रिंग दिया हुआ है, उस रिंग में ही हमें ये पीपी फिल्टर बिठाना है। ये पीपी फिल्टर का जो होल है इसको हम उसमें मैच कर देंगे और इसको सेंटर में रखेंगे इस प्रकार। दोस्तों अब हम पीपी फिल्टर के हाउसिंग का ढक्कन लगा लेंगे। तो ढक्कन लगाते समय हम एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पीपी फिल्टर के होल में मैच होना चाहिए, सेंटर में जाना चाहिए। ये पोर्शन हमें इस हिसाब से इसको होल में मैच करके ही टाइट करना है। तो इसको हम पीपी फिल्टर के सेंटर में रख कर टाइट कर लेंगे। जितना हो सके उतना हम हाथ से टाइट कर लेंगे ढक्कन को। आपको एक स्पैनर मिलता है अलग से इसे टाइट करने के लिए। इस स्पैनर को इस प्रकार बिठाना है इसमें और इसे और थोड़ा टाइट हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने पीपी फिल्टर को हाउसिंग में लगा दिया है, अब इसे हम साइड में रख देते हैं। दोस्तों ये है पोस्ट कार्बन जो पानी के टेस्ट को इम्प्रूव करने का काम करेगी। कभी कभी म्यूनिसिपल वाटर में क्लोरीन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए वहाँ पर ये उस एक्स्ट्रा क्लोरीन को एब्जर्व करने का काम करती है। दोस्तों ये रहे सारे कनेक्टर्स। दोस्तों इन सभी कनेक्टर्स के थ्रेडिंग्स पर हम अच्छी तरह से टेफ्लॉन टेप लगा लेंगे। दोस्तों अब हमने सभी कनेक्टर्स के ऊपर टेफ्लॉन लगा दिया है। तो दोस्तों अब हम पोस्ट कार्बन के ऊपर कनेक्टर्स लगा लेंगे दोनों साइड में। ये इस प्रकार लगा लेंगे। पोस्ट कार्बन के दूसरे साइड का भी कनेक्टर हम लगा लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं पोस्ट कार्बन में हमने दोनों साइड कनेक्टर लगा लिया है। ये कुछ साइड फेस कर रहा है और एक इस साइड फेस कर रहा है। तो दोस्तों अब ये जो बॉल है जिसे हम पीपी फिल्टर का हाउसिंग भी बोल सकते हैं, अब इसमें भी हम निपल्स लगा लेंगे, इधर आउट का और इधर इन का। तो दोस्तों अब मैं पीपी फिल्टर के हाउसिंग में आउट का निप्पल लगा लेता हूँ पहले। ये आउट का लग गया, अब मैं इन का लगा लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीपी फिल्टर के हाउसिंग में भी हमने निप्पल लगा दिया। ये इन का है, ये देखिए ये इन का लगा दिया हमने निप्पल, और ये आउट का, ये देखिए। तो दोस्तों पोस्ट कार्बन ये देखिए इसमें हमने निप्पल लगा दिया, और ये जो हाउसिंग है पीपी फिल्टर का इसमें भी हमने निप्पल्स लगा दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है यूएफ मेम्ब्रेन, इसमें हमें निप्पल नहीं लगाना है।
ये देखिए, इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें हमें निप्पल नहीं लगाना। ये देखिए, इसमें हमें सिर्फ पाइप लगाना है। तो दोस्तों, हमें ये कुछ क्लैंप्स भी मिलते हैं जिनकी मदद से हम ये जो हाउसिंग है इसके ऊपर हम पोस्ट कार्बन और यूएफ मेम्ब्रेन को फिट कर सकते हैं। दोस्तों, क्लैंप को हाउसिंग के ऊपर फिक्स करने के लिए हमें दो स्क्रूज मिलते हैं। हमें ये दो छोटे वाले स्क्रूज ले लेना है। दोस्तों, इन दो क्लैंप्स को हमें हाउसिंग के ऊपर बिठाना है। इसमें एक होल है, इसमें भी एक होल है। आप चाहे तो अंदर की तरफ बिठा सकते हैं या फिर बाहर की तरफ बिठा सकते हैं। हमें इस प्रकार बिठाना है। ये देखिए, अगर बाहर बिठाएंगे तो दोनों को बाहर के साइड में टाइट करना पड़ेगा। अगर अंदर की तरफ बिठाएंगे तो दोनों को अंदर के साइड में टाइट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं इस क्लैंप को अंदर की साइड में बिठा रहा हूँ। इस होल में नहीं टाइट करूँगा, इस वाले होल में टाइट करूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने इस होल में नहीं, अंदर वाले होल में बिठाया है। अब मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको स्क्रू को टाइट कर लूँगा। अब मैं दूसरा क्लैंप भी लगा लूँगा, तो इसे भी हम अंदर साइड में ही लगाएंगे, यानी इस वाले होल में हम स्क्रू को टाइट करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रू को इस वाले होल में लगाया है, इसमें नहीं लगाया। अब हम इसको टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हमने बोल के ऊपर का दोनों साइड का क्लैंप लगा लिया है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम यूएफ मेम्ब्रेन और पोस्ट कार्बन फिट कर देंगे। तो दोस्तों, अब हमने क्लैंप लगा लिया है हाउसिंग के ऊपर, इसके ऊपर हम ये यूएफ मेम्ब्रेन फिक्स करेंगे। और यूएफ मेम्ब्रेन को ऐसे फिक्स करेंगे, जिस साइड में इसका सिंगल निप्पल है उसे हम आउट की तरफ रखेंगे, और जिस साइड में दो है निप्पल, यहाँ देखिए यहाँ प्योर वाटर भी लिखा हुआ है, जिधर दो है इसे हम इन के तरफ रखेंगे। तो इसे मैं बिठा लेता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगा। ये देखिए, ये बैठ गया। तो पोस्ट कार्बन को फिक्स करने के लिए हमें और दो क्लैंप्स मिलते हैं, तो इनमें स्क्रूज नहीं लगाना है, इन्हें सिर्फ प्रेस करके लगा देना है। तो दोस्तों, अब हम पोस्ट कार्बन के लिए क्लैंप लगा देते हैं। ये पहला लग गया, अब ये दूसरा। दोस्तों, अब हम ये जो पोस्ट कार्बन है इसे इस क्लैंप में फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम पोस्ट कार्बन को भी इस क्लैंप में फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये पोस्ट कार्बन भी फिक्स हो गया। दोस्तों, ये तो हो गया, अब हम इसके पाइपिंग का कनेक्शन कर लेंगे। दोस्तों, ये जो कनेक्टर्स हमने लगाए हैं इन्हें क्विक कनेक्टर्स कहते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो क्विक कनेक्टर्स है वो कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अगर हमें इस पाइप को फिट करना है, अंदर डालना है यहाँ, तो हमें ये जो लॉक है इसको प्रेस करके पाइप को पुश करना होगा, ऐसे, फिर ये पाइप अंदर चली जाएगी। तो अगर हमने पाइप को एक बार फिक्स कर दिया, उसके बाद हम इसको खींचेंगे तो पाइप बाहर नहीं निकलेगी। जब तक हम इस लॉक को प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये पाइप बाहर नहीं आती है। तो यहाँ देखिए, मैं इस लॉक को प्रेस करता हूँ और उसके बाद देखिए ये पाइप बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि पाइप अगर लगाना है तो आपको लॉक को पहले प्रेस करना है, फिर आप पाइप को पुश करेंगे, और जब आपको पाइप को बाहर खींचना है उस समय भी आपको लॉक को प्रेस करके ही बाहर खींचना है, तभी पाइप बाहर आएगी। तो दोस्तों, ये जो हाउसिंग है इसके ऊपर मार्किंग किया हुआ है एरो से, और लिखा हुआ है इन और आउट, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें ये साइड इन है, तो इसमें हम ये
पाइप लगा लेंगे, ब्लू पाइप। तो आउट के लिए हम इस वाइट पाइप को लगा देंगे यहाँ, और आउट का जो पाइप निकलेगा उसे हम यूएफ मेम्ब्रेन में, ये जो सिंगल वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगा देंगे। तो हमें एक छोटा पाइप लगेगा, तो इस साइज का हम कट कर लेंगे और कट करके यहाँ से यहाँ लगा देंगे। तो दोस्तों, आउट के लिए मैंने छोटा सा पाइप कट कर लिया है, इस पाइप को मैं यहाँ आउट में लगा दूंगा और उसके बाद यूएफ मेम्ब्रेन के इस सिंगल वाले निपल में लगा दूंगा। तो पहले हम लगा लेते हैं इसको इसमें, और उसके बाद हम इसमें लगा देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यूएफ मेम्ब्रेन के जिस साइड में दो निपल्स है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है रिजेक्शन वाटर। तो ये पहले से लिखा हुआ यहाँ पेपर से चिपका के आया है। और इसके दूसरे साइड में यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है प्योर वाटर। तो रिजेक्शन के लिए हम एक पाइप बना लेंगे, और जो दूसरा पाइप है प्योर वाटर का, वो हम यहाँ से निकाल कर पोस्ट कार्बन में यहाँ लगाएंगे इस साइड में। तो पहले हम रिजेक्शन के लिए पाइप बना लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये जो रिजेक्शन वाटर लिखा है, यहाँ से हम फ्लश के लिए एक रिजेक्शन का पाइप लगा देंगे। तो दोस्तों, रिजेक्शन वाटर के लिए हम एक छोटा ब्लू पाइप कट कर लेते हैं, उसमें हम ये वाला कॉक फिक्स कर देंगे, ये वाला। दोस्तों, ये रिएक्शन वाटर के लिए हम ये छोटा वाला ब्लू पाइप फिक्स कर देंगे इस प्रकार। तो दोस्तों, ये वाला जो कॉक है इस टाइप का, ये हम ये रिजेक्शन वाले पाइप में लगा देंगे। तो दोस्तों, अभी ये जो कॉक हमने लगाया यूएफ मेम्ब्रेन में रिजेक्शन वाटर का, तो इस कॉक को खोलकर हम हफ्ते में दो बार जो बैक्टीरिया वायरस वाला पानी आएगा इधर से, उसको फ्लश आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं हफ्ते में दो बार। अभी इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये तो रिजेक्शन के लिए हो गया, यहाँ लग गया ये ऐसा। अब हम यहाँ देखिए, ये प्योर वाटर का यहाँ है, तो इस प्योर वाटर में वाइट पाइप लगाएंगे और इसको ले जाकर पोस्ट कार्बन में यहाँ लगा देंगे इस साइड में, और यहाँ से पीने के लिए जो पानी है आउट का निकालेंगे दूसरे साइड से। तो यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं, ये पीने के लिए पानी इधर से जाएगा आउट, बाहर पीने के लिए। तो यूएफ मेम्ब्रेन से हम यहाँ से एक पाइप वाइट निकालेंगे और पोस्ट कार्बन में यहाँ लगा देंगे। तो दोस्तों, यूएफ मेम्ब्रेन में हम प्योर वाटर के लिए पाइप लगा लेते हैं, ये वाइट पाइप। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाइट पाइप हमने लगा दिया है यहाँ यूएफ मेम्ब्रेन में, ये प्योर वाटर के लिए। और इसे हम यहाँ से लेंगे, उसके बाद यहाँ से, और इसे देख लेंगे कितना बड़ा चाहिए, कट करके फिर यहाँ पोस्ट कार्बन में लगा देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूएफ मेम्ब्रेन से मैंने यहाँ पाइप ले लिया है, और बहुत थोड़ा ही पाइप लगेगा हमें यहाँ, तो हम इसे कट करके इसमें बैठा लेंगे। तो दोस्तों, अब मैं इसे पोस्ट कार्बन में फिट कर देता हूँ। दोस्तों, अब सभी पाइप्स लग गए। अब आप एरो देख सकते हैं, ये प्योर वाटर के लिए एरो है, तो ये एरो इधर को है, तो यहाँ हम वाइट पाइप लगा देंगे प्योर वाटर के लिए। तो यहाँ से हम पीने के लिए पानी भर सकते हैं अपने बर्तन में। दोस्तों, अब बच गया ये वाला कॉक, तो इसको हम इसमें फिट कर लेंगे, और इसमें अपना टैप फिक्स होगा और ये पाइपलाइन में इसको टाइट हो जाएगा, और नल के लिए जो पानी है पीने के लिए। दोस्तों, ये यहाँ से आप वाल चालू करेंगे तो ये इनका पानी जाएगा यहाँ इनलेट में, फिर यहाँ से आउट निकलेगा, और उसके बाद जाएगा ये यूएफ मेम्ब्रेन में, फिर यूएफ मेम्ब्रेन से ये प्योर वाटर निकल के इधर से आएगा पोस्ट कार्बन में, और पोस्ट कार्बन से यहाँ पीने के लिए पानी आपको मिलेगा। और जो खराब वाटर है वो आप देख सकते हैं यहाँ, इसके लिए यहाँ प्रोविज़न दिया हुआ है, यहाँ से बैक्टीरियल वाटर बाहर निकल लेगा, हफ्ते में दो बार इसको फ्लश करना है यहाँ से ये वाल्व खोलकर, उसके बाद इसको बंद कर देना है। ये जो फिटिंग है,
आप कुछ इस प्रकार से अपने घरों में कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये कॉक है, ऐसे लगा देंगे इस प्रकार से, इसमें ये लगा देंगे टैप का पाइप, दोस्तों। वाटर प्यूरिफायर कंप्लीट होने के बाद जब आप पीने के लिए प्योर वाटर निकालेंगे तो थोड़ा काला पानी आएगा, कम से कम 4-5 लोटा आपको खराब पानी निकालना पड़ेगा। 4-5 लोटा पानी निकालने के बाद आप देखेंगे पानी फ्रेश आने लगेगा पीने लायक। तो दोस्तों, ये बन गया दुनिया का सबसे सस्ता और मोस्ट एफिशिएंट वाटर प्यूरिफायर।